तो आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आज हम डिस्कस करेंगे दो आइटम्स को, सिर्फ दो चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होती हैं, और सेकंड इज नॉन कैश आइटम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास तो थियोरी की है, लेकिन ये हमें प्रैक्टिकल सॉल्व करने में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कैश फ्लो निकालना है, और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, आपको दो फिल्टर्स लगाने होते हैं, फिल्टर नंबर वन और फिल्टर नंबर टू। जो हमारे साल का प्रॉफिट है वो इन दो फिल्टर से होके निकलेगा, तभी क्या आ पाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहली चीज, जब आप कैश फ्लो निकालना चाहते हैं तो आप नॉन कैश आइटम्स को हटा देंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, रिमूव ऑल नॉन कैश आइटम्स, या रिमूव इफेक्ट ऑफ ऑल नॉन कैश आइटम्स। ठीक है जी, अब ये नॉन कैश आइटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ट्राई करेंगे इसके एग्जाम्पल्स को कवर करने के लिए, और दूसरा होता है नॉन कैश इनकम्स। ठीक है, अब नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर ऐसे खर्चे आते हैं जो एक्सपेंसेस के अंदर तो आ रहे हैं, प्रॉफिट को तो कम कर रहे हैं, बट कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। इन एक्सपेंसेस को हम प्लस कर देते हैं और इन इनकम्स को हम माइनस करते हैं। ये वो इनकम्स हैं जो इनकम इंक्रीज कर रही हैं, बट कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट में से इन दोनों चीजों को हमने हटा देना है। हटाएं, अब नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पहला, डेप्रिसिएशन, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तीसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और क्या क्या आ सकता है, गुडविल रिटर्न ऑफ, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बेसिकली एक्सपेंस होता ही नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन होती है। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल रहा हूं, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, क्लियर है, विच रिड्यूसेस प्रॉफिट, तो इनको वापस ऐड कर दिया जाता है। लॉसेस और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर, रिटर्न ऑफ इन करंट ईयर। खर्चे थे पिछले साल के, लेकिन राइट ऑफ आप कब कर रहे हो, इस साल। मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस में कब डाल रहे हो, इस साल। राइट ऑफ का तो पता है ना, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहे एक्सपेंस और ये रही इनकम्स। जितने भी खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जितनी भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दी जाती है। ओके, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ। क्या बोलते हैं, ये सारे अकाउंट राइट ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, इनके बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं। चले आगे, नॉन कैश इनकम्स की एग्जांपल है एप्रिसिएशन इन एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ जाना। ठीक है जी, और क्या हो सकता है, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। ठीक है, दीज आर दी टू बेसिक एग्जाम्पल्स। इसके अलावा आपको कोई मिलता है तो यू कैन राइट इट, आप घर पे उसे लिख सकते। अब हम बात करने वाले नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, डालते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स उठाते हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब ही क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंसेस
और इनकम्स नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की गतिविधियों को चलाने के लिए ये खर्चे और इनकम नहीं करेगा, ठीक है? तो वो क्या हो जाती है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है? तो इधर दे विल बिलोंग टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो वहां चली जाती है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनका इफेक्ट रिमूव करना है तो क्या करा जाएगा, प्लस, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इनका इफेक्ट रिमूव करने के लिए क्या करा जाएगा, माइनस। तो जरा डिस्कस करते हैं कौन कौन से खर्चे। खर्चे तो हैं लेकिन ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। पहला, लोन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और एनी एसेट और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो। ये खर्चे तो हैं लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनका कोई डायरेक्टली एसोसिएशन लिंक नहीं है, ऑपरेशंस में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बताओ क्या क्या हो सकता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू तो हमारा नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है? ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन, ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है, कमीशन, कमीशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन मतलब आपने कोई ना कोई मर्केंटाइज जो भी होते हैं गुड्स हैं उनको सेल करने पे कमीशन ली होगी, ठीक है? तो दैट कैन बी बोथ ट्रेड कमीशन, नॉन ट्रेड, मतलब हो सकता है कि नॉन ऑपरेशन, नॉन ऑपरेटिंग भी हो बट जनरली ऑपरेटिंग मानी जाती है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको, ठीक है? मतलब किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा आ रहा है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? जो बच जाए यू कैन राइट इट ऑन बुक से, गो थ्रू करो, तो कोई भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसकी आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है? यहां तक तो कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो ये एक बार देख लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था। प्रॉफिट हमें पहले लेना होता है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट ऐड क्यों करा? नॉन ऑपरेटिंग है। टैक्स ऐड क्यों करा? नॉन कैश है। डिविडेंड ऐड क्यों करा? नॉन ऑपरेटिंग है, राइट? उसके अलावा ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व और ट्रांसफर टू रिजर्व और ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, ये भी हमने एडजस्ट करे बिकॉज नॉन कैश है। क्लियर है? तो सबके रीजन मैंने बता दिए। दो फिल्टर लगते हैं, नॉन कैश का और नॉन ऑपरेटिंग का। नॉन कैश का फिल्टर लगाओगे तो क्या बचेगा? कैश। नॉन ऑपरेटिंग का लगाओगे तो क्या बचेगा? ऑपरेटिंग, ठीक है? तो नॉन कैश हटा दिया, नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया, तो क्या बचा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं जिसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट है भी और नहीं भी। तो जिनका इंपैक्ट है वो इंक्लूड होंगी और जिनका इंपैक्ट नहीं है वो एक्सक्लूड होंगी, और वो आती है हमारी चेंज इन वर्किंग कैपिटल के हेड में। तो इसमें मैं एक या दो एग्जाम्पल दूंगा अभी समझाने के लिए। देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो माइनस होगा, और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो प्लस होगा। अब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कब होती है? जब करंट एसेट बढ़ जाए और करंट लायबिलिटी
कम हो जाए। तो मतलब यहां लिखना है आपने, माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट और माइनस करना होता है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां पे प्लस करना है डिक्रीज इन करंट एसेट और माइनस करना है और प्लस करना है इंक्रीज इन करंट यहाँ पर लायबिलिटी। दोनों माइनस करने हैं। हाँ जी ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं कैसा क्यों। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है हमने, करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद रहे करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को आपने इंक्लूड नहीं करना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो इन दो चीजों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रही है, फिक्टिशियस एसेट्स, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको टेस्ट करवाता हूं कि करंट एसेट का बढ़ना माइनस क्यों होगा। देखिए ध्यान से, मेरे डेटर्स थे 1 लाख रुपए के प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर को जनरली हम राइट साइड पे लिखते हैं, तो यहां लिख रहा हूं 1 लाख के, और करंट ईयर में डेटर्स हो गए 1.5 लाख के। तो कितने डेटर्स बढ़ गए? आपके लिए अच्छी बात है बुरी बात है? कोई अच्छी बात नहीं है, डेटर्स ज्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, 50,000 रुपये आपके और फंस चुके हैं डेटर्स में। क्यों? क्योंकि आपने उनको 50,000 की क्रेडिट सेल्स करी है। क्रेडिट सेल्स आपके प्रॉफिट को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, लेकिन कैश नहीं है, नो कैश फ्लो, पैसा तो आया नहीं। सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन पैसा नहीं आया। तो इस सेल को हमने, मतलब इस डेटर्स के इंक्रीज को, 50,000 को हम क्या कर देते हैं? हटाने के लिए माइनस कर देते हैं। लॉजिक है, समझ आया तो कीप इट, नहीं आया तो थ्रो इट, इट इज अप टू यू, आई विल नॉट रिपीट। ठीक है, जिनको समझना है तो उनके लिए कर दूंगा एक बार रिपीट। डेटर्स, अब देखिए इसके बाद आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल ले लें। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के हो गए हैं, पहले थे 6,000 के। इसका मतलब क्या है? 4,000 आपने और ज्यादा एडवांस पे कर दिया, राइट? ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये 4,000 रुपये कैश का फ्लो है, आपने और ज्यादा पे करे तभी तो प्रीपेड बढ़ा। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? ज्यादा पे करना। लेकिन क्या प्रीपेड खर्चे खर्चों में आते हैं? नो, प्रीपेड खर्चे तो होता है एसेट, तो खर्चों में तो आते नहीं। तो ये खर्चों में नहीं आए, मतलब प्रॉफिट तो कम नहीं हुआ, लेकिन कैश कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां कैश का फ्लो है, कैश का फ्लो बढ़ गया। कैसे? पहले जो 6,000 का एडवांस था वो 10,000 का हो गया, मतलब 4,000 आपने पैसे जेब से निकाल के किसी ना किसी को दे दिए। लेकिन क्या आपने उसको खर्चों में डाला है? नो, प्रीपेड एक्सपेंस तो खर्चों में जाते ही नहीं, क्योंकि वो तो एडवांस दिया हुआ है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस तो जो बेनिफिट हमें मिल गए हैं, इसके तो बेनिफिट अभी हमें आगे मिलेंगे। क्लियर है? चले आगे, अब बात करते हैं हम दूसरा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का घटना, ये तो अंडरस्टूड है, करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो कैसे कम होती है? पेमेंट करी आपने, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो कैश का फ्लो, कैश फ्लो आउट आउटफ्लो हो रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर तो ये माइनस होना ऑब्वियस ही बात है। करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो आप पैसा दे रहे हो तभी कम हो रही है। क्लियर है? चले आगे, अब दूसरी बात, करंट एसेट का घटना प्लस क्यों होता है? क्योंकि देखो मेरे डेटर्स जो थे वो करंट ईयर में हो गए हैं 50,000 और प्रीवियस ईयर थे 60,000। तो इसका मतलब क्या है? 10,000 रुपये मुझे डेटर्स ने कम के होंगे जब वो मुझे कैश दे देंगे। क्या डेटर से कोई पैसा आता है तो वो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालता है? आंसर इज नो। डेटर्स से कोई पैसा आ रहा है तो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं डालता, दैट इज मेयर, दैट इज जस्ट अ रिसीट ऑफ मनी।
हाँ लेकिन जब डेटर्स बढ़ते हैं, जब आप उसको सेल दिखाते हो तो इम्पैक्ट आता है। पैसा आ रहा है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं। मैंने फरीन को ट्यूशन पढ़ाया, मैंने इससे 10,000 रुपये लेने, मेरी कमाई बढ़ गई, पैसा आया नहीं आया। अगले साल फरीन ने मुझे पैसा दे दिया, क्या अगले साल मेरी कमाई बढ़ी? कमाई तो इस साल बढ़ी है, कमाई इस साल बढ़ी, इस साल मैंने पढ़ाया, इसने पैसा नहीं दिया, तो कमाई तो मेरी इस साल में आ गई, पैसा मुझे अगले साल मिल रहा है 10,000 रुपये। तो कैश का फ्लो अगले साल है, लेकिन अगले साल कमाई आ रही है? कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, रिसीट है। इनकम नहीं है, रिसीट है, पैसा आ रहा है सिर्फ, कमाया तो मैंने इस साल हुआ है। क्लियर है, समझ आई बात? तो कैश फ्लो हो सकता है कि पैसा कमाया किसी और साल में हो और मिल किसी और साल में रहा है, तो इनकम किसी और साल में बुक होती है और कैश का फ्लो किसी और साल में ट्रीट करा जाता है। क्लियर है बात? चले आगे, अब हम आगे चलते हैं। करंट लाइफ डी, अब दूसरा एग्जाम लेता हूँ। करंट लाइफ डी बढ़ना हमारे लिए क्या होता है? प्लस होता है। क्यों? एक क्रेडिटर का एग्जाम्पल ले लेते। क्रेडिटर पहले अभी है 1 लाख, पहले थे 80,000, तो इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर उधार कितना बढ़ गया? 20,000 का। ये उधार बढ़ता क्यों है, इसके पीछे जाओ जरा। क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी क्यों? क्योंकि आपने इससे क्या करा होगा, क्रेडिट परचेज करी है, राइट? क्रेडिट परचेज करी है, क्रेडिट परचेज आपके एक्सपेंस को बढ़ाती है और प्रॉफिट को घटाती है। जब आप उधार पे माल खरीदते हो तो पैसा जाता है, प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन पैसा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो ऐसे ही हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला जो पार्ट लेकर आते हैं वो इसलिए लेकर आते हैं ताकि कुछ चीजें जो कैश फ्लो को अफेक्ट कर रही है वो आ जाए और जो अफेक्ट नहीं कर रही वो निकल जाए। क्लियर है? ठीक है, तो दीज आर दी लॉजिक्स। आपको समझ आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा फिर रिकॉर्डिंग देखकर उसको समझ। क्लियर है?